भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसे कवच नाम दिया गया है। रेलवे कवच को दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन दुर्घटना सुरक्षा तकनीक के रूप में बढ़ावा दे रहा है। अभी तक जो टेस्ट किया हम लोगों ने वो ऑटोमेटिक टेरिटरी में टेस्ट किया था, रियर एंड कोलिजन हम लोगों ने ऑटोमेटिक टेरिटरी में किया था। अब इस बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं स्पैड का। सिग्नल रेड है और ड्राइवर गलती से अगर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होता है। तेलापुर स्टेशन से हम लोग चले हैं अभी। अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है और ये देखे कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। आज कवच का परीक्षण किया गया। एक ट्रेन में सवार थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरी में थे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। हालांकि स्वदेशी कवच तकनीक के कारण ट्रेनों के बीच कोई टक्कर नहीं हुई। आज जब इसका सफल परीक्षण किया गया तो 380 मीटर पहले ही कवच सिस्टम ने पूरी ट्रेन को रोक दिया। रेलवे को जीरो दुर्घटनाओं के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को इन हाउस बनाया गया है। कवच एक ऐसी प्रणाली है जो एक निश्चित सीमा के भीतर उसी ट्रैक पर सामने से आने वाली दूसरी ट्रेन का पता लगाने पर स्वचालित रूप से एक ट्रेन को रोक देती है। दोस्तों बता दें कि मोदी सरकार ने कवच तकनीक के रूप में जो अपना प्लान बताया है उसके तहत 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को तैयार किया जाएगा। इससे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों बेहतर होंगी, साथ ही साथ ट्रेन की गति में भी सुधार आएगा और दुर्घटनाएं कंट्रोल की जा सकेंगी। जानकारी के मुताबिक कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन माइक्रोप्रोसेसर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीकी पर आधारित है। इस तकनीक की मदद से उम्मीद लगाई जा रही है कि रेलवे जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। इसके तहत जब दो आने वाली ट्रेनों पर इसका उपयोग होगा तो ये तकनीक उन्हें एक दूसरे का आकलन करने में और टकराव के जोखिम को कम करने में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग एक्शन शुरू कर देगी। इससे ट्रेनें टकराने से बच सकेंगी। रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव ने इस तकनीक के संबंध में बताया कि ये SIL-4 प्रमाणित है, जिसका अर्थ होता है कि 10,000 सालों में एकाध बार गलती की संभावना है। उन सब टेक्नोलॉजीज को देश में डेवलप करें, देश में उसका उपयोग करें और विशेषकर जो आम पैसेंजर साधारण मानवी की जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए बहुत विशेषकर टेक्नोलॉजी बनाई जाए। कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो कि अगर दो ट्रेन आप देखिए अगर एक ट्रैक पे अगर आती है तो उनको वो कवच अपने आप रोक लेता है पास आने से पहले। अगर सेम ट्रैक पे एक के पीछे एक दो ट्रेन जा रही है अगर तो एक सेफ डिस्टेंस पे कवच उसे अपने आप रोक लेता है। अगर कोई रेड सिग्नल आ रहा है, रेड सिग्नल आने से पहले ट्रेन अपने आप स्लो हो जाती है और अपने आप रुक जाती है। आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी के विजन पर, हमें गर्व है अपने इंजीनियर्स की कैपेबिलिटी पर। We have full faith in Prime Minister's vision. We have full faith in our engineers' capability. So it was a great experience. Future plans are to roll it out very rapidly. This year 2000 kilometers and in the coming years we should be doing 4000-5000 kilometers every year
and we should also be exporting this technology to many other countries. Exports will happen in 5 to 6 years time frame once this technology is proven on about 10,000 kilometers. I also want to tell you that this is a SIL-4 certified. SIL-4 is the highest level of safety. तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।